लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज अर्पण 24 टीवी और दबाएं बेल आइकन को। लुधियाना में पंडित श्रद्धाराम फिलौरी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी पंजाब की ओर से पंडित श्रद्धाराम फिलौरी जी का 181वां जन्म दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार बावा जी की ओर से की गई। इस समागम में कृष्ण जी की अलग अलग झांकियां भी पेश की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि मेंबर पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टू व विधायक संजय तलवाड़ पहुंचे। इस मौके मेंबर पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टू ने इस समागम की सराहना की और कहा कि आज देश के ही नहीं बल्कि हर मुल्क में पंडित श्रद्धाराम फिलौरी जी द्वारा लिखी गई आरती ओम जय जगदीश हरे का गायन किया जाता है। और वहीं उन्होंने जहां प्रबंधक कमेटी का इस समागम प्रति धन्यवाद किया, तो वहीं इस प्रोग्राम को आगे मनाने के लिए स्टेट लेवल तक मनाने की बात कही। आज असि पंडित श्रद्धा राम फिलौरी जी का 181वां जन्मदिन श्री नव दुर्गा मंदिर सराबा नगर के बड़ी धूमधाम के नाल मना रहे हैं। ये सारी राजनीतिक शख्सियत साढ़े विचकार पहुंची ने, तो ये कई स्कूलों के बच्चे असी सदे हैं। वह मेन मकसद ये है कि साढ़े बच्चों साड़ी संस्कृति के बारे तो साढ़े जोड़े साहित्यकार होए हैं पंडित श्रद्धा राम फिलौरी, जिन्होंने कि आरती लिखी सी ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, जिहड़ी कि अज हिंदुस्तान के नाल नाल संसार के कोने के विच ओ गाई जाती हैगी है। तो उस महान साहित्यकार को याद करने लई उन्होंने जीवन के बारे दसन लई अज असी प्रोग्राम रखिया। जिहड़े पंडित श्रद्धा राम फिलौरी जी सीगे ओ इहदे नाल नाल एक बहुत वड्डे स्वतंत्रता सैनानी भी सीगे, जिन्हां ने स्वतंत्रता की लड़ाई के लोगों को इकट्ठे करने लई बहुत अपना वड्डा योगदान दिता। वो एक मंच ते लियाण लई उन्होंने आरती की रचना की सीगी। आरती के माध्यम के नाल मैं समझा ये सारे मंदिरों के विच लोकी ये आरती गाते सीगे। ये सारे मंदिरों के जिहड़े लोग सीगे वो एक प्लेटफार्म से आजादी की लड़ाई लड़न लई इकट्ठे हुए सी। उहदे नाल उन्होंने समाज सुधार के बहुत वड्डे काम किए हैं। उस वेले बच्चों नवजन्मी बच्चों पानी की बाल्टी के डुबो के मार दिता जाता सीगा। बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन सीगा ते नाल सती प्रथा की प्रचलन सीगा। ते इन्हां बुराइयां नूं रोकण लई उन्होंने इन्हों जोर दिता, तो उन्होंने ये विधवा विवाह के उत्ते वकालत की भी विधवा का विवाह किया जाए। इस तरह एक महान साहित्यकार महान स्वतंत्रता सैनानी महान समाज सुधारक जोड़े पंडित जी से उन्होंने जीवनी के बारे असी दसन लई अज इतने प्रोग्राम रखिया। तो ये शहर की बहुत सम्मानिया शख्सियत पहुंची ने, उन्होंने असी इतने सम्मान भी करा, तो यही संदेश पहुँचाने लिए भी उन्होंने जीवन तो प्रेरणा लैके असी भी समाज सुधार के जोड़े काम अगे कर सकते हैं वो आप जरूर करिए, तो देश में उन्नति के मार्ग से असी लैके जाइए। जय हिंद। श्रद्धा राम फिलौरी जी का 181वां जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। तो अज प्रोफेसर हरविंदर सिंह बेदी जी ने तुम देखा उन्होंने जीवन के हर पक्ष से रोशनी पाई है। अज असी सरकार तो मंग करते हैं कि उन्होंने नाँ पर केंद्र सरकार डॉक्टरेट जारी करे, बच्चों के स्कूलों पाठ पुस्तकों के उन्हों का जीवन शामिल किया जाए ताकि आने वाली सारी जनरेशन उन्होंने जीवन बारे ज्ञान हो सके। स्त्री शक्ति की गल की, देखो अज हमेशा की तरह साढ़े बहुत ही सत्कारयोग कृष्ण कुमार बावा जी तो सारे इन्हों अश्विनी जी हमेशा श्रद्धा राम फिलौरी जी की खास तौर पर अज उन्हों का 181वां जन्म दिहाड़ा तो वो मनाया जा रहा। तो लगातार मैं ये मौकों पर आने का मौका मिले बाबा जी तो अश्विनी जी होना करके, जिन्होंने खास तौर पर साढ़े मैं समझदा देश भगती की जी जे आप गल करिए अज उन्हां दी याद आउंदी है। ये लोग वो सी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान आजादी की लड़ाई साढ़े अज जे आप इस आजाद देश साह लै रहे हैं तो ये लोग ने। तो उदों बाद इन्हां दे खास तौर पर धन्नवादी हैं भी अज वो लोगों नूं याद रखते बार बार बाबा जी ने, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब होण उन्हां तक हमेशा गल पहुँचाई भी इन्हां दे नौं ते डाक टिकट जारी की जाए, इन्हां दे नौं ते स्टैचू लाया जाए। तो ये कोशिशां बाबा जी दियां लगातार लगियां, तो उन्ना चिर लगे रहांगे जिन्ना चिर ये चीज़ां सरकार नहीं मानती उन्ना चिर ये कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि जिहड़ी उन्हां दी आरती अज किहदे मूँह ते नहीं रोंगटे खड़े कर देंदे आ जदों उन्हां दी आरती की गल हुंदी है।
तो अज मतलब तुसी चैनल आले खास तौर पर मीडिया आले तुसी हर समागम नू मैं समझदा उहदी जिन्नी महत्ता हुंदी आ जदों तुसी दुनिया दे मूहरे पेश करदे हो ते अज दे दिन ते जिहड़ी अज दी जनरेशन आ पीढ़ी आ उहनां नू उहनां बारे पता लगदा है क्योंकि बहुत अज नवी यंगस्टर आ जे उहनां नू इह जाणू नहीं करावांगे भी शरदा राम फलौरी जी की उहनां दी देण सी की उहनां साडे लई कीता उहदे लई बाबा जी दे ऋणी आ। मैं एवें नहीं कहिंदा वी हरेक जिहड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जिन्हें साडे देश लई साडे समाज लई कीता चाहे बाबा बंदा बहादुर जी की गल कर लीए यह दिन मनाउण च मैं समझदा बाबा जी ने कदे भी पिछे नहीं हटे तो इस करके समाज भी बाबा जी की कदर करता पार्टियां तो उत्ते उठ के करता कांग्रेस पार्टी के जनरल सैकटरी के कल्ला यह नहीं गल पर वो तो उत्ते उठ के सारा समाज भाईचारा ये चीज़ा की बाबा जी की हमेशा देनदार रहेगा हमेशा करजई रहेगा भी जो ये उपराले करते हैं ते खास तौर पर अश्विनी जी इन्हां दी सारी टीम दा मैं धन्यवाद। तुसीं इस गल दी शलाघा कर रहे जी अगे तो तुसीं चाहोगे कि ये स्टेट लैवल ते फंक्शन ऑर्गेनाइज कीता जावे। बिल्कुल गल आ तुसीं जिहड़ी गल कही आ बहुत वड्डी गल कही आ मैं ते बाबा जी आउण वाले दिनां च इस गल लई सीएम हाउस जाके सीएम ऑफिस जाके भी कुछ ना कुछ शरदा राम फलौरी जी दे बारे सरकार वल्लों भी उपराला करना चाहीदा इहदे बारे जरूर कदम आ जिहड़ा उह असीं चुकांगे। न्यूज़ 24 टीवी के लिए लुधियाना से प्रकाश जसा की रिपोर्ट।